आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में गिरफ्तार अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ 10 रोजा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ को बख्तरबंद गाड़ी के बजाय आम गाड़ी में लाया गया। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, एंटी राइट फोर्स और रेंजर्स के दस्ते तैनात। लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद एहतसाब अदालत के बाहर मौजूद। एहतसाब अदालत में दाखिल होने की कोशिश। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मरियम औरंगजेब और उस्मा बुखारी भी कारकुनों के हमरा पहुंची। नारे लगाने पर लेडी पुलिस अहलकारों ने खातून को हिरासत में ले लिया। दयानतदार शख्स को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। मुल्क पर जाली मैंडेट वाली हुकूमत मुसल्लत की गई। नाइंसाफी जारी रही तो एहतजाज पार्लियामेंट के बाहर भी आ सकता है। राणा सनाउल्लाह की हुकूमत पर तनकीद, कहा डॉलर 150 का हो गया तो मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। मरियम औरंगजेब की हुकूमत के खिलाफ कंटेनर पर आने की धमकी, कहा जिस शख्स ने पंजाब को तरक्की दी उसी को गिरफ्तार किया। उस्मा बुखारी बोली, मुल्क में डोंगी राजा की हुकूमत है, कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। इजहार यकजहती के लिए आए हैं, हमें जमहूरी हक से महरूम किया गया। शहबाज शरीफ अपनी फाइलें खुद उठाकर साथ लाए, मेरा इस स्कैंडल से कोई ताल्लुक नहीं। शहबाज शरीफ का अदालत में बयान, आप इंतजार करें, पहले नैब का मौकफ सुनने दें, जज का मुकालमा। शहबाज शरीफ से 10 रोज में क्या तफ्तीश की, अदालत का नैब से इस्तफसार। शहबाज शरीफ ने तमाम सवालों से लाइल्मी का इजहार किया, नैब हुकाम। शहबाज शरीफ के जिस्मानी रिमांड में 15 रोज की तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद। हमजा शहबाज ने कमरे अदालत में शहबाज शरीफ से मुसाहफा किया। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी। एहतसाब अदालत की तरफ जाने वाली सड़क एमए कॉलेज चौक से बंद। स्कूल और कॉलेजेस के तलबा और शहरियों को शदीद मुश्किलात। स्कूल्स और दफातर में पहुंचने में ताखीर। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की तहकीकात में तेजी, आज बड़ी बड़ी पेशियां। फवाद हसन फवाद और अहद चीमा को भी एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा। ख्वाजा बरादरान की भी आज नैब ऑफिस में तलबी। कसूर की बेकसूर, जैनब का कातिल अंजाम के करीब। मुजरिम इमरान को कल फांसी दी जाएगी। जैनब के कातिल मुजरिम इमरान के खानदान से आखिरी मुलाकात का परवाना जारी। मुलाकात आज दिन 12 बजे कोर्ट लखपत जेल में करवाई जाएगी। जैनब के वालिद मोहम्मद अमीन अंसारी का एक मरतबा फिर मुजरिम इमरान को सरेआम फांसी देने का मुतालिबा। मुजरिम को सरेआम फांसी देने के लिए दायर दरख्वास्त समाहत के लिए मंजूर। हाईकोर्ट ने होम सेक्रेटरी से आज वजाहत तलब की।